Hello children, good morning. Today we will do our fifth achievement sheet. So first of all you will take out your scrapbook and open the next page and write the heading what we have to do in our fifth achievement. So our topic is different animals and birds with thumb impression. So we will write the heading different animals and birds with thumb impression. यानी आपको अलग अलग तरह के animals और birds के face को show करना है with the help of thumb impression. Thumb impression means अपने thumb के use से, अपने अंगूठे के use से, अलग अलग color से हम लोग impression डालेंगे, यानी print करेंगे और उससे अलग अलग तरह के animals और birds बनाएंगे. Okay? For that, we have to divide 6 parts in this page with pencil. Pencil से हम लोग इस page को 6 part में divide करेंगे. सबसे पहले इस page के बीचों बीच एक scale के help से line सीधी line draw करेंगे. Okay? फिर इक्वल 6 पार्ट में इस पेज को डिवाइड करेंगे. हर एक पार्ट इक्वल होना चाहिए, इसमें आप लोग अपने बड़ों का भी हेल्प ले सकते हो. हम लोगों ने 6 पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया इस पेज को. ओके, अब हम लोग वाटर कलर आप लोगों के पास सभी के पास घर में होगा तो वाटर कलर को आप एक प्लेट में रख लोगे. अलग अलग कलर को इस तरह से आप लोग रख लोगे. ओके, इसमें क्या करना है कि थंब, ओनली थंब को हम लोग निकालेंगे, अंगूठे को निकालेंगे और वन बाय वन हम लोग एक एक कलर में डिप करेंगे. ओके, इस तरह से ऐसे रखना है थंब को ऐसे, और किसी में ऐसे ऐसे रखेंगे, किसी में ऐसे करना है कि पूरे अच्छे से ये डीप हो जाए. ओके, फिर नेक्स्ट कलर में हम लोग अंगूठे को साफ करके फिर नेक्स्ट कलर में दूसरे किसी कलर में किसी दूसरे कलर में डीप करेंगे और उसे ऐसे ऐसे अंगूठे को ऐसे अब रखना है, अब ऐसे दबाएंगे. ओके, फिर अब कोई और कलर, बच्चों देखो बच्चों ये मैंने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर से मैंने अपने थंब के इम्प्रेशन को यहाँ किया है. आप लोग भी पहले थंब इम्प्रेशन डिफरेंट कलर से करके उसके बाद उसे सूखने के लिए रखोगे और फिर इसमें अब आईज, नोज, ईयर्स और जो भी कुछ भी हम लोग को ड्रॉ करना है पहले ये सूख जाएगा, उसके बाद आप लोग ड्रॉ करोगे. ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसे ड्रॉ करना इस पर बताऊंगी. ओके,